डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जीवन कांकरिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर कर कभी नौका पार नहीं होती। कोरोना के इस भीषण समय में अब अपना और अपनों का ख्याल रखने की और भी जरूरत थी। जिस तरह से देश में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, एहतियात और बढ़ा देने की आवश्यकता है। जिन फैमिलीज में कोरोना पहुंचा है, वहां की सबसे बड़ी समस्या है भय या डर। उस ट्रॉमा से निकल पाना बड़ा मुश्किल है कि अब क्या होगा। ऐसे वक्त में सकारात्मक सोच ही बहुत ही कारगर है। सो दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। एंड प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड इज ओनली बाय 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। फ्रेंड्स, मास्क लगाने की आदत मत छोड़ो, वरना कोरोना नहीं छोड़ेगा। और आपकी सुरक्षा आपके हाथ, मास्क और सैनिटाइजर सदा रखे साथ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 या और भी कोई बीमारी हो तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज योर इम्यून सिस्टम। दैट इज हाउ पावरफुल इज योर इम्यून सिस्टम। सो टू मेक योर इम्यून सिस्टम पावरफुल, सम फंडामेंटल सास। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन और योर डाइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इम्यून सिस्टम। सेकेंड इज लिमिट योर एल्कोहल कंजप्शन एंड अवॉइड सुगरी ड्रिंक्स। थर्ड इज डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर रिस्क और डेवलपिंग सीवियर डिजीज। फोर्थ वन इज एक्सरसाइज। एज WHO रिकमेंड्स 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ए डे फॉर एडल्ट एंड 1 hour a day for children is very important for immune system. And fifth is very important, that is look after your mental health. Be positive. सकारात्मक रहें और अपने काम एवं जीवन के बीच में संतुलन बना के रखें। योगा एंड मेडिटेशन करें, अपनों के संपर्क में रहें एंड शेयर योर फीलिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एक्टिव रहें और अपने आप को मनोरंजक एक्टिविटीज में एंगेज रखें। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टेक प्रॉपर स्लीप, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। इन लास्ट जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज ट्राई नॉट टू रीड और वॉच टू मच न्यूज जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बने। कोविड-19 ने हमसे बहुत कुछ छीन रहा है, बट अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचें तो हमें इससे बहुत कुछ भी मिल रहा है, लाइक अपॉर्चुनिटी टू कम टूगेदर एज वन ह्यूमैनिटी, टू वर्क टूगेदर, टू लर्न टूगेदर, टू ग्रो टूगेदर। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन कोविड सिचुएशन। वी ऑल नो दैट इज Only 6% of people affected with COVID need hospitalization. But where are we going wrong? जैसे ही हमें पता लगता है COVID test positive है, starts panic. And fear starts from surroundings. And you start taking advice from your relatives, friends or colleagues. सब अपने आप नए experiences शुरू कर देते हैं. And simultaneously, when you see news and medias, मन में डर बैठने लगता है। इस समय तक यू हार्डली हैव एनी सिम्टम्स, बट जैसे ही आपको पता लगता है कि आप पॉजिटिव है और आपको डिफरेंट एडवाइस मिलती है, यू स्टार्ट पैनिक। और जब आप पैनिक होते हैं, योर ब्रीदिंग पैटर्न चेंजेस एंड आपका ब्रीदिंग पैटर्न शेलो हो जाता है और आप छोटी छोटी और जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं एंड देट कॉजेज पुलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स और आपको ब्लैकनेस वैस शुरू हो जाती है और आपको पता लगता है कि आपके लंग्स अफेक्टेड हो गए, बट द फैक्ट दैट योर एंजाइटी कॉजेज ब्रेथलेसनेस। एंड आपको इन्वेस्टिगेशन की सलाह दी जाती है, लाइक D-dimer, CRP, NHRCT टेस्ट एक्सेट्रा। और ये सारे टेस्ट कोविड स्पेसिफिक नहीं होते हैं, दे आर जस्ट सपोर्टिव एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एनी इन्फेक्शन एंड जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। और जब आप पैनिक होते हैं तो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर भी पैनिक होता है एंड एडवाइज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट। दैट सप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम। सो द अल्टीमेट इज प्लीज डोंट इनवाइट पैनिक एंड अननेसेसरी स्ट्रेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल। सो द होम आइसोलेशन इज बेस्ट ट्रीटमेंट अनलेस सीवियर सिम्टम्स अकर। For home isolation,
Isolate yourself in a separate room with attached bathroom, as well as open the windows for proper ventilation if possible for at least 10 days. Keep your mind busy in reading books, watching TV shows, having video calls with your family and friends. If you feel up to it, do some light exercises. Wash your hands frequently with soap. Clean your room yourself and disinfectant with soap or any disinfectant material. Check your oxygen level, but that is not frequently because it increases your anxiety levels. And we should know how we can increase our body oxygen level at home. Number one is using antioxidants and omega-3 fatty acid rich diet or nutrients like akroot, alsi, anar, rajma, or different type of berries like blueberry, strawberry, etc. Intake of at least 3 liters of water and restrict intake of caffeine, beverages, alcohol, and high sodium foods like namkeen, etc. which dehydrate your body. Exercise, pranayama, and yoga, etc. Then proning is very important to increase the oxygen saturation level. जब ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे आ जाए तो होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड पेशेंट को प्रोनिंग करनी चाहिए। प्रोनिंग की ये स्थिति वेंटिलेशन में सुधार करके मरीज की जान तक बचा सकती है। इससे होम आइसोलेशन के साथ साथ आईसीयू में रहने वाले मरीजों में भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इसे करने से लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे ऑक्सीजन लंग्स में आसानी से पहुंचती है। इसमें पेशेंट्स को पेट के बल लिटाया जाता है। ये प्रोसेस 30 मिनट से 2 आवर्स की होती है। इसके लिए 4-5 पिलोज की जरूरत होती है, जो गर्दन, छाती और पेट के नीचे बराबर में रखा जाता है, एवं बाकी के 2 पिलोज पैर के पंजों के नीचे के दबाकर रख सकते हैं। इस दौरान कोविड पेशेंट को गहरी और लंबी सांस लेने को कहना होता है और मरीज बीच बीच में करवट भी बदल सकता है। ऑक्सीजनेशन की इस प्रोसेस को 80% तक सफल माना जाता है और इससे मोर्टिलिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जनरली पब्लिक मास्क को एक फॉर्मेलिटी की तरह यूज करती है, कभी पॉकेट में रखती है और कभी हाथ में लगा करके रखती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बजाय इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड वी शुड नो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू वियर अ मास्क। आइडियली मास्क पहनने से पहले एवं मास्क उतारने के बाद और आफ्टर यू टच एनी टाइम हैंड शुड बी क्लीन प्रॉपरली and make sure it covers both your nose, mouth as well as chin properly. और जब भी आप मास्क उतारें, store it in a clean plastic bag and wash every day. If it is a fabric mask, and is dispose if it is a medical mask. अब हम बात करेंगे treatment part, actually remdesivir के बारे में, जो आज एक हवा बना हुआ है. Just I want to say that remdesivir is not a life-saving drug in COVID-19. रेमडेसिविर सिर्फ कोरोना बीमारी की अवधि को कम करता है, न कि ये मौत को दर को घटाता है। कोरोना के हर मरीज को इस इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः रेमडेसिविर कोविड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, जिसकी उपयोगिता पहले 7 दिन में सबसे अधिक है एवं आवश्यकता होने पर इसे 10 दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है। यदि फर्स्ट वीक में ऑक्सीजन लेवल कम, दैट इज 90-91 होने के साथ साथ 6 मीटर वॉक टेस्ट से सेचुरेशन अगर 4-5% घटता है, तेज बुखार आता है, लंग्स में सीटी स्कोर 8 से अधिक हो, साइटोकाइन मार्कर्स बढ़े हुए हों, लिम्फोसाइट्स व पॉलीमॉक्स का रेशियो 3.5 से अधिक हो, तो ही रेमडेसिविर का यूज है, अदरवाइज ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। सेकेंड वीक में स्पेशली स्टेरॉइड्स, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग का काम करती है, खून पतला होने की मेडिसिन एवं एंटीबायोटिक्स का अधिक उपयोग होता है। अतः रेमडेसिविर का रोल फर्स्ट पीक में वायरल लोड कम करने में, असिम्प्टोमेटिक व माइल्ड डिजीज में इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है और 10 दिन बाद तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होती है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पर हो या एक्मो पर है, उन्हें रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती। अतः रेमडेसिविर की आवश्यकता होने पर ही प्रोटोकॉल के तहत प्रयोग करना चाहिए। सो यदि किसी हालत में ये दवा नहीं मिले तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड्स और खून पतला होने वाली दवा इस रोग के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं।
एंड आई आल्सो सजेस्ट टू माई कलीग डॉक्टर्स कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए कि रेमडेसिविर दवा उपलब्ध न होने से पेशेंट के डेथ होने की रिस्क नहीं बढ़ती। नाउ इन द लास्ट दैट इज वैक्सीनेशन। एट इन प्रेजेंट सिचुएशन प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 इज इन ओनली बाई वैक्सीनेशन एंड एक्सपर्ट्स और लिटरेचर सजेस्ट कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो कोविड हो सकता है लेकिन डिजीज की सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है और जान का खतरा नहीं होता। वैक्सीनेशन इज 100% सेफ एंड ओनली इन प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर आर स्टिल बीइंग टेस्टेड। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट अबो एज ऑफ 18 वैक्सीन जरूर लगाएं। दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। एज आई सजेस्ट द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक्स अ लॉट।